उधर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और जब से उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया था तब से कुछ ज्यादा ही माहौल टाइट है। इस बार मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी नाराजगी की वजह भी बता दी है। क्या है नाराजगी की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। किरोड़ी लाल मीणा किससे नाराज? विकट परिस्थितियों में भी मैं लोगों के साथ रहा और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो नाराजगी तो मेरे को अपने आप से है। हार की जिम्मेदारी वचन न जाए खाली। पार्टी को अपनी सीट निकलवा नहीं सका, चाटों को सवाईमाधोपुर करौली दौसा, तो उसमें मेरी नाराजगी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि सीट नहीं जीतेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं। मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। किरोड़ी लाल का बयान सियासी घमासान। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी से नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी खुद से ही है, क्योंकि जनता ने उनके कहने से वोट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा पार्टी का और जनता का काम करते आए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। आप मंत्री के रूप में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? मैं मंत्री की तो गाड़ी है नहीं, गाड़ी तो मेरी है, लेकिन आप विभाग के काम तो देख रहे हो। देखना तो पड़ता ही है, अगर बाढ़ आगे मैं नहीं जाऊं तो मेरी बदनामी नहीं होती का कि देखो मंत्री बने बैठे हैं, अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, जनता मर रही है और जा नहीं रहे माननीय। तो मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। उनसे नाराजगी को लेकर काफी सवाल पूछे गए, ऐसे में उनका कुल मिलाकर जवाब यही था कि वे ना तो पार्टी से नाराज हैं और ना ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से, वे तो अपने आप से नाराज हैं। मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ना तो पार्टी से नाराज हूँ, ना मुख्यमंत्री जी से नाराज हूँ। उन्होंने कहा कि विभाग का काम संभालना पड़ता है। हाल ही में जब बाढ़ आई तो वे 5 जिलों का दौरा भी करके आए और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत की राशि भी पहुंचाई। उन्होंने कहा कि वो हमेशा काम करते आए हैं। प्रभाव रूप से तो मैं 5 जिलों में बाढ़ आई और सब जगह मिल आया, सारी व्यवस्थाएं करी आया और जो नुकसान हुआ है उसका पैसा भी भेज दिया और सड़क और बगाई जो टूटी है उसकी राशि और दे देंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों पर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 5 साल तो उन्होंने मेरी चिंता की नहीं और अब सहानुभूति दिखा रहे हैं। वे सब जानते हैं कि ये सहानुभूति कैसी है और वे कौन सा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे पर इतनी कृपा दृष्टि है, मेरे पर इतना दया कर रहे हैं, पिछले 5 साल में तो की नहीं और अब वो मेरा सहानुभूति बरत रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं जानता हूँ सहानुभूति क्यों बरत रहे हैं, क्योंकि 6 चुनाव आ रहे हैं इसलिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा तो अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद से ही माहौल काफी ज्यादा गर्म है। सरकार में मंत्री उनको मनाने में लगे हैं और किरोड़ी लाल प्राण जाए पर वचन न जाए को यथार्थ कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, स्कूल में तिलक लगाने से टोकने पर भारी हंगामा हो गया। परिजनों सहित हिंदू संगठनों के लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। स्कूल के गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जताया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस फिलहाल समझाइश में जुटी हुई है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाते हुए स्कूल बंद करने की भी चेतावनी दी गई है। तीज का त्योहार होने के चलते तिलक लगाकर छात्राएं पहुंची थी। 12 रोड स्थित बाल विद्यालय का ये पूरा मामला है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है, क्योंकि स्कूल में
तिलक लगाने से टोक दिया गया। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके। हिमांशु, क्या पूरा मामला और क्या अपडेट फिलहाल वहां से? देखिए, स्कूल की जो छात्राएं हैं उन्हें तिलक लगाने से टोकने पर ये पूरा की पूरा जो हंगामा है वो हुआ है, और बड़े पैमाने पर जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो फिलहाल इस स्कूल में मौजूद हैं और उनके तरफ से नारेबाजी की जा रही है, और जो स्कूल प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनके कक्ष में फिलहाल बातचीत चल रही है। यहाँ पर नारेबाजी और एकाएक हंगामे का माहौल है। बोरखेड़ा थाना जो पुलिस है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंची है, जिसके बाद में जिस शिक्षिका की तरफ पर ये पूरा की पूरा आरोप लगाया जा रहा है उन्हें फिलहाल बुलाया गया है। बुलाने के बाद में उनसे क्लेरिफिकेशन इस पूरे मामले पर लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन छात्राओं को रोका गया, जिनका जो तिलक है वो हटवाया गया, वो उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उनके परिजनों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। वहीं अगर हिंदू संगठन की बात करें तो उनकी मांग है कि इस शिक्षिका को स्कूल से हटाया जाए और इस पूरे प्रकरण को लेकर के माफी मंगवाई जाए। तो फिलहाल 5 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर बातचीत कर रही है, जिसके बाद में अब फैसला जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, और इसके साथ ही आज चूंकि तीज का पर्व था और तीज के पर्व के चलते हुए ये तमाम जो छात्राएं हैं वो स्कूल के अंदर तिलक लगा करके आई थी, और इसी तिलक को जो आरोप जिस तरह का लगाया गया है छात्राओं की तरफ से कि इस तिलक को शिक्षिका की तरफ से, स्कूल की जो टीचर है उनकी तरफ से हटवा दिया गया, और इसके बाद में इस मामले ने शिक्षिका ने रोका। हिमांशु, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं उनकी ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है क्या, क्यों रोका गया छात्राओं को? देखिए, जब हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं तमाम लोग और जो जिन बच्चियों के साथ में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिनका तिलक हटवाया गया, उनके पेरेंट्स साथ में थे उस दौरान, प्राचार्य के कक्ष में वो शिक्षिका भी थी, लेकिन एकाएक उनके तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के नकार दिया गया है। उनका तरफ से जो पहला बयान आया है वो ये आया है कि इस तरह का कोई जो घटनाक्रम है वो नहीं हुआ है, उनके तरफ से किसी तरह का कोई जो तिलक है वो नहीं हटवाया गया है। इसके बाद कहती हुई पूरे मामले को लेकर छात्रा का रिएक्शन भी सामने आया, सुनाते हैं क्या कुछ कह रही है छात्राएं। जय श्री राम, मेरा नाम मनन चौरसिया, मैं इसी स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। आज मेरे सामने ये हुआ कि हम लोग सुबह प्रार्थना स्थल पर थे और वहाँ पर मुझे एक दीदी ने बोला कि उनके साथ पीछे जब वो खड़ी थी उनको टीचर ने आई और बोला कि तुम्हारा तिलक हटा दो। उनके साथ तिलक हटवाया, उनका तिलक हटवाया गया है, और उनने डर के मारे, हमने उनको बुलाया और वो नहीं आई, क्योंकि उनके अंदर डर है, क्योंकि वो इसी हॉस्टल के वार्डन की एक बेटी हैं और वो डर के मारे नहीं आई हैं, वो डर चुकी हैं इसलिए वो नहीं आई है। ऐसे कितनी बच्चियों के साथ में हुआ था? उन्होंने कहा है कि उनके साथ 4-5 लड़कियों को और कहा था। क्या रीज़न मानते हैं इसका? स्कूल वालों का कहना है कि उनके साथ वो, उन्होंने समझा कि वो बिंदी थी पर वो नहीं, वो तिलक था। तो छात्रा को आपने सुना जो बता रही हैं कि क्या हुआ था। विद्यालय में एक शिक्षिका बुलाती है और कहती है ये तिलक हटा दो। हिमांशु, सवाल तो यही है ना, कौन सा संविधान कहता है, कौन से नियम कानून कहते हैं कि स्कूल में तिलक लगाकर जाने पर पाबंदी है? क्या कर रहा है अब मैनेजमेंट? बिल्कुल, बात यही है और विरोध भी इसी बात का है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये कोई संविधान नहीं है, ये कोई नई नियम नहीं है कि आखिर कोई अगर छात्र या छात्रा स्कूल के अंदर तिलक लगा करके आए तो उसे रोक दिया जाए। लेकिन फिलहाल इसी बात को लेकर के जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इसी को लेकर के जो आक्रोश है वो ना केवल परिजनों में है, वो जो छात्राएं हैं वो इस घटनाक्रम के बाद में डर गई हैं, वही हिंदू संगठन भी इस पूरे मामले में अब आ गए हैं। लेकिन फिलहाल जो शिक्षिका है जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है वो इस पूरे घटनाक्रम को नकार चुके हैं कि इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ है। लेकिन जो छात्राएं हैं उनकी तरफ से बयान आया है, उनके परिजनों की तरफ से बयान आया है, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। पुलिस का जो जाप्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। इस पूरे मामले में अब जो बोरखेड़ा थाना पुलिस है वो भी अपनी तरफ से जो कार्रवाई है और इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। लेकिन निश्चित तौर पर ये हैरान कर देने वाला मामला है जो 12 रोड के इस स्कूल से निकल करके आया है, और फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखना होगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस शिक्षिका के तरफ के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, अगर छात्राओं को टीका लगाकर स्कूल जाने से रोका जाता है तो ये मामला बेहद गंभीर है और हैरान करने वाला। आप नजर बना रखिएगा इस पूरे मामले पर, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। नहीं, 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 नही
मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने है। देखना है कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कार्रवाई की जाती है पूरे मामले पर। उदयपुर से एक खबर सामने आ रही है जहां पर छात्र देवराज की हत्या के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर बांसवाड़ा में सर्व समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सर्व समाज के प्रतिनिधियों सहित सभी मोर्चे के समाज सेवा संस्थान के पदाधिकारी और मोची समाज सेवा संस्थान के पदाधिकारी और महिलाओं ने कलेक्ट्री चौराहे से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्री परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग देवराज के हत्यारे को फांसी दो के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री भवानी जोशी, भुवन पंड्या, गंगाराम तेली भी मौजूद रहे। हमारा तो यही मांग है कि एक तो ये जो आजकल जो उदयपुर में ये जो घटना है, जिस तरीके से उस बालक ने, एक छोटे से बच्चे ने घटना के चाकुओं से वार किए, वो एक प्रोफेशनल जिसको सिखा सिखाया होता है वही कर सकता है। जिस तरह आर्टरी काटना, इस तरह के चाकू वार करना, ये सब चीज़ें उनमें कहाँ से सीख रहे हैं, इस बात का एक तो प्रशासन सही तरीके से जाँच करे और बच्चे के पीड़ित सभी तरह स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए।